Assalamu alaikum wa rahmatullah. Once again, welcome my dear students. आज जो हम comparing quantities के अंदर exercise 8.2 आज हम question number 6 करेंगे. Question सुनिए. During a sale, a shop offered a discount of 10% on the market prices of all the items. सेल है एक शॉपकीपर ने एक शॉप पर सेल लगी हुई है वहां वो ऑफर एक शॉप कीपर जो है वो डिस्काउंट ऑफर करता है 10% ऑन द ऑल द मार्केट प्राइस ऑफ ऑल द आइटम्स जो भी इसकी दुकान के अंदर जो भी आइटम्स हैं जो भी चीजेस हैं उनको वो डिस्काउंट दे रहा है सेल दे रहा है 10% ऑन ईच ठीक है क्वेश्चन क्या है हमें क्या बताना है व्हाट वुड A customer have to pay for a pair of jeans marked at ₹1450 and two shirts marked ₹850 each. Question simple and बहुत ही आसान है एक शॉप के अंदर सेल लगी हुई है 10% डिस्काउंट में दे रहे हैं वो चीज 10% डिस्काउंट का मतलब यह है अगर कोई चीज ₹50 में है फॉर एग्जाम्पल अगर दुकानदार ने 50% डिस्काउंट दी है तो हमें कितना पे करना है हमें ₹25 पे करना है इसको बोलते हैं डिस्काउंट यानी कि अगर ₹50 का आइटम है तो डिस्काउंट 50% है दैट मीन्स हमें कितने पे करने हैं ₹25 ही पे करने हैं लेकिन यहां जो है यहां 10% डिस्काउंट है That means अगर कोई आइटम ₹100 में है 10% जब इसका डिस्काउंट होगा तो हमें सिर्फ पे करना है कितना ₹90 ठीक है सेम क्वेश्चन यहां है यहां क्वेश्चन बता रहा है एक कस्टमर को कितना पे करना है अगर उसने क्या खरीदा पेयर ऑफ जीन्स जीन्स या मार्कर जिसका कीमत है 450 एक कस्टमर ने इस दुकान से खरीदे दो चीजें एक पेयर ऑफ जीन्स ठीक है जिसका मार्केट प्राइस क्या है 450 और टू शर्ट्स लिए हर एक शर्ट की कीमत 850 है ठीक है तो एक कस्टमर को कितना पे करना है तो हम देखते हैं एक एक करके हाँ पहले हम पेयर ऑफ जीन्स की बात करते हैं जीन्स की पेयर ऑफ जीन्स हाँ कॉस्ट प्राइस या मार्केट प्राइस कितना है इसका 1450 रुपीज ठीक है अब डिस्काउंट कितना है डिस्काउंट जो है दैट इज 10% डिस्काउंट है किस पर मार्केट प्राइस पर कॉस्ट प्राइस पर दैट मीन्स 10% डिस्काउंट है 1450 पर ठीक है देयरफॉर कितना डिस्काउंट है दैट इज 10% ऑफ 450 तो मैं लिख सकता हूं परसेंट माइनस आउट ऑफ 100 10/100 इंटू 1450 सिपर एंड कट ठीक है एंड दिस सिपर कट ठीक है तो क्या बचता है वहां 145 तो कितना डिस्काउंट आ रहा है डिस्काउंट कितना आ रहा है 145 तो मैं लिख कितना मतलब मैं यहां लिख सकता हूं यहां या फिर सेलिंग प्राइस क्या होगा या ये जरूरी भी नहीं लिखना है अगर मैं इसी तरह निकालूं 450 को मैं माइनस करूंगा कितना 145 ठीक है 450 को मैं माइनस करता हूं क्योंकि डिस्काउंट कितना बनता है 145 10 से 5 तो 5 बनता है ठीक है 4 यहां 0 बनता है ठीक है 3 ठीक है 1 तो कस्टमर को कितना पे करना है अगर वो खरीदे जीन्स को 1305 रुपीज ठीक है लेकिन हमें बताना है पूरा अगर वो टू शर्ट्स भी लेगा तो फिर उसको कितना पे करना है तो अगर इसने सिर्फ जीन्स ही लिया तो उसको पे करना है 1305 रुपीज ठीक है अब आगे सुनिए अब शर्ट्स की बात कर रहे हैं शर्ट्स की ठीक है टू शर्ट्स मार्कड ₹850 ईच दैट मीन्स
टोटल प्राइस कितना है शर्ट, टोटल प्राइस कितना बनता है दो शर्ट्स की 850 प्लस 850, ठीक है, एक शर्ट की कीमत 850 है, ठीक है, दो शर्ट्स की कीमत 850 प्लस 850 दैट इज 1700, ठीक है, प्राइस है टू शर्ट्स की 1700। अब डिस्काउंट कितना, डिस्काउंट है 10%, ठीक है, 10% ऑफ व्हाट, 10% ऑफ 1700, ठीक है, तो लिख सकता हूं 10/100 × 1700, 1700, ओके, इट इज 1700, टू सिपर्स कट, ठीक है, 17 × 10 दैट इज 170, तो इनमें कितना डिस्काउंट मिलता है 170, तो लिख सकता हूं प्राइस पे कितना करना है कस्टमर को, तो मैं लिख सकता हूं 700 को डिस्काउंट हो जाएगा 170, ठीक है, तो मैं लिख सिफर या 3, ठीक है, 61 इट इज 5 and 1 15 30 1530 rupees। अगर इसे सिर्फ क्या लिए शर्ट्स, मुझे बताना है टोटल पे कितना करना है, व्हाट कस्टमर हैव टू पे फॉर ए पियरा, टोटल पेमेंट कितनी करनी है कस्टमर को, टोटल पेमेंट कितनी करनी है, अगर इसने जीन्स लिया तो उसकी पेमेंट करनी है 1305 rupees एंड प्लस अगर टू शर्ट्स से पेमेंट करनी है उसको 1530, तो इनको मैं प्लस करता हूं 5, 0 and 5, ठीक है, 0 and 3 इट इज 3, 5 इट इज 18, 8, 1 and 1 इट इज 2, 2835 rupees जो है एक कस्टमर को पे करना है अगर उसने एक जीन्स को लिया जिसका कीमत है 1450 और दो शर्ट्स को अगर इसने खरीदा जिनकी कीमत है 850 rupees ईच, ठीक है। आई होप यू हैव गॉट दिस क्वेश्चन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अनदर क्वेश्चन, दैट्स क्वेश्चन नंबर 7। थैंक यू वेरी मच।